नाम स्मृति सिंह है। बेहतरी जतन योजना के बारे में यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यक्रम आया था, तब हमको आंगनबाड़ी वगैरह और मितानिन के थ्रू ये जानकारी हम लोगों को मिली हुई थी। तो ये मेरा पहला बच्चा है। जब मैं वहाँ कार्यक्रम में अटेंड की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे मैम एक डॉक्टर खुशबू भी सेन मैम थी, उनके द्वारा हम लोगों को योगा वगैरह करवाते थे, साथ ही हमको पौष्टिक आहार वगैरह देते थे, और वहाँ पे हम लोगों का रूटीन चेकअप भी होता था। तो वो योगा वगैरह करने से हमारा शरीर में बहुत सारे फ़ायदे हुए, और मैं लगभग 2-3 महीने वहाँ अटेंड की हूँ क्लासेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैम भी वहाँ बहुत हम लोगों को अच्छे से ट्रीट करती थी, कोई भी हम लोगों को समस्याएं वगैरह होती थी उसको हम लोगों को समाधान बताती थी, और हर दिन क्लास हम लोगों की लगती थी, उसमें हमको कुछ बहुत सारे जानकारियाँ देते थे, कुछ प्रॉब्लम रहती थी तो हम लोग मैम से डिस्कस करके मेडिसिन वगैरह भी पूछ लेते थे। ये सारी जानकारी हम लोगों को मिली थी। तो पहले हम लोगों का जो भी था हेल्थ से इशू रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोगों को कार्यक्रम में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें से हमको बेनिफिट मिला था। तो इस कार्यक्रम के थ्रू हम लोगों को जानकारियाँ भी देते थे, बच्चे के मूवमेंट के बारे में हो या बच्चे की हलचल के बारे में, साथ ही हम लोगों को संगीत भी सिखाया जाता था। संगीत के माध्यम से भी हमारे बच्चों को बहुत सारे मोटिवेशंस के म्यूजिक्स वगैरह बताते थे, बच्चों के हलचल्स के बारे में मैम बताते थे, जिससे हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिले थे। संगीत जो विद्यालय में हमने गए, तो मैं तो सबसे पहले अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी कि मुझे खैरागढ़ जैसे विश्वविद्यालय में ये सारे योजनाएँ कार्यक्रम को में आने का मौका मिला, और मैं मैम को भी बहुत बोलती थी कि मैम बहुत अच्छा लगता है। संगीत सुनने के बाद हमारे मतलब गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें बहुत सारे हलचलें हम लोगों को महसूस होती थी, जिससे बच्चों को मतलब हमारा भी मानसिक स्टेटस जो था वो तनाव रहित हो जाता था, सारी चिंताएं से हम मुक्त हो जाते थे, बच्चों में भी बहुत सारे मूवमेंट हम लोगों को नज़र आते था। संगीत भी बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को, और मैम हम लोगों को बहुत अच्छे से योगा वगैरह भी कराती थी, जिससे हम लोगों के शरीर से रिलेटेड या स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियाँ थी वो हम लोगों का बहुत अच्छे से ठीक हो रहा था। संगीत में हम लोगों को शास्त्रीय संगीत है, लोरी है, ये सब महतारी जतन कार्यक्रम में हम लोगों को सिखाया जाता था, जिससे भगवान के कुछ गाने वगैरह सुनाते थे अलग अलग। हर दिन हमारे हिसाब से मैम पूछते थे आप लोगों को किस टाइप का चीज़ें पसंद है, आप लोग कौन से भगवान का गाना पसंद करते हो सुनना, ये सारे हम लोगों को सिखाते थे, लोरी सिखाते थे, और बहुत ही अच्छा मैडम हारमोनियम वगैरह बजा के हम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी देते थे बच्चों के बारे में। अभी तक के तो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अभी कुछ कारणों से बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हो रही थी, तो सारे महतारी जितने भी थे गांव वगैरह से आने में उनको दिक्कतें हो रही थी। तो हम लोग मैम को बोले कि मैम अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दिनों के लिए क्लास को अभी रोक दिया जाए। तो इस वजह से अभी हफ्ता 10 दिनों से क्लास अभी रुकी हुई थी, लेकिन कल से अभी ये क्लास फिर से प्रारंभ होने वाली है, तो हम लोग सब वहाँ फिर से जाएंगे ये कार्यक्रम को अटेंड।